अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे। जी जनाब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FT स्पोर्ट्स लाइव और मैं हूँ फराज अली। तो जी जनाब, आज हम बात करेंगे कल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दूसरा T20 इंटरनेशनल हुआ उसकी अपडेट देंगे आपको, और उसके अलावा हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का भी दूसरा T20 इंटरनेशनल हुआ है तो उसकी भी अपडेट देंगे आपको। तो जनाब, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल है FT स्पोर्ट्स लाइव, उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जो भी क्रिकेट के रिलेटेड मेरी वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपको तक पहुंचता रहेगा। तो जनाब, आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान के मैच से। तो कल जनाब पाकिस्तान ने जो है वो दूसरे मैच में टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो कि मेरे हिसाब से जो है वो थोड़ा गलत साबित हुआ। पाकिस्तान को शायद टॉस जीत के पहले उनको अफगानिस्तान को बैटिंग देनी चाहिए थी और उनको कम टोटल पर आउट करके मैच जो है वो जो स्कोर को चेस करना चाहिए था। तो जनाब बता देते हैं, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवरों में 5 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए और इमाद वसीम टॉप स्कोरर रहे, वहां से 64 किए उन्होंने 57 गेंदों पे, और उसके अलावा शदाब खान ने 32 रन स्कोर किए। तो बकाया जितने भी बैट्समैन थे वो कोई अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके, जो है वो सैम अयूब सिर्फ 2 गेंदों के ही मेहमान साबित हुए और 0 रन बना के आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद हारिस ने 15 रन किए 9 गेंदों पे। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर 0 पे आउट हुए, चौथी मैच में जो है वो लगातार 0 पे आउट हुए और इन्होंने एक मतलब अलग ही किस्म का ये एक रिकॉर्ड बना लिया। उसके बाद आए तैयब ताहिर 13 किए उन्होंने, और जो इमाद वसीम का तो मैंने आपको पहले बता दिया 64 रन स्कोर किए, और इमाद वसीम के बाद आए आज़म खान, ये भी दूसरे मैच में फेल हुए हैं, इन्होंने 1 रन किया है, 4 गेंदों का सामना किया, और शदाब का भी मैंने बता दिया कि 32 रन स्कोर किए और इनके जो है वो 25 गेंदों में इन्होंने 3 चौके भी लगाए। तो इन्होंने कुछ जो है वो स्कोर बनाने में पाकिस्तान की मदद की, वरना तो जो है वो टोटल इससे भी कम हो सकता था। तो अफगानिस्तान की अगर बात करें तो फजल हक फारूकी ने पहले 2 ओवरों में कोई भी रन नहीं दिया और 2 विकेट नहीं, लेकिन उसके बाद 4 ओवरों में फजल हक फारूकी ने जनाब 19 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नवीन उल हक के हैं बॉलर, उन्होंने 4 ओवरों में 26 रन दे के 1 विकेट लिए। राशिद खान ने 4 ओवरों में 16 रन दे के 1 खिलाड़ी आउट किया, और करीम जन्नत ने भी जनाब 3 ओवर में 13 रन दिए और उन्होंने भी 1 विकेट ली। तो ये थी कुछ अफगानिस्तान की बॉलिंग, और उसके बाद आ जाते हैं जनाब अफगानिस्तान की बैटिंग पे। तो जो है वो अफगानिस्तान ने जनाब ये टोटल बासानी चेस कर लिया है, तो इनकी जनब से जो है वो रहमानुल्लाह गुलबाज़ ने 44 रन किए 49 गेंदों पे, और उसके अलावा जनाब जो है वो जदरान ने जनाब 38 रन स्कोर किए। तो ज़बरदस्त बैटिंग देखने में आई अफगानिस्तान की तरफ से। अगर पाकिस्तानी बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स को इतनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा पाए। नसीम शाह की हम पहले तारीफ करते थे, लेकिन नसीम शाह कल बहुत पिटे, 4 ओवर में 39 रन दिए हैं, और उसके अलावा जो है वो सेकंड पे आए जमान खान, उन्होंने जी जो है वो 3.5 ओवर में 22 रन दिए, 1 विकेट लिए, अच्छी को थोड़ी बॉलिंग की उन्होंने। उसके अलावा जी एहसानुल्लाह ने भी कल कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, 3 ओवर में 23 रन दिए और 1 खिलाड़ी सॉरी आउट किया है उन्होंने भी, तो विकेट लिए फिर भी। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद नवाज़, स्पिन थोड़ी अच्छी रही, 4 ओवर में 16 रन दिए, कोई विकेट ना ले पाए। उसके बाद आए जनाब शदाब खान ने 4 ओवर में 24 रन दिए और कोई विकेट। इमाद वसीम ने सिर्फ 1 ओवर कराया, ये मेरे लिए जो है वो हैरान कन बात है। अगर आपने मैच जीतना था तो इमाद से 4 ओवर कराने चाहिए थे। पिछले मैच में परफॉर्मेंस बॉलिंग भी उन्होंने की अच्छी थी, कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, जो इनको 1 ही ओवर दिया गया, तो इनको भी 4 ओवर पूरे कराने चाहिए थे। वो फास्ट बॉलर्स के ओवर कम करवा लेते हैं या कुछ करते हैं ऐसा कुछ। बहरहाल तो ये थी जनाब कुछ अपडेट, और अफगानिस्तान ने जनाब मैच जीत लिया 7 विकेटों से, और जो है वो पहला मैच तो जीता ही जीता उन्होंने, दूसरा मैच जीत के सीरीज़ भी जनाब अपने नाम कर ली है। तो अफगानिस्तान ने ये टोटल जनाब 19.5 ओवरों में चेस कर लिया, 133 रन बनाए और इनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। तो ये थी जनाब कुछ मैच की अपडेट, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और अफसोस हुआ बड़ा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से सीरीज़ आ गया, तजर्बे किए थे इन्होंने और जिनका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा है पाकिस्तान के आवाम को और फैंस को भी। तो ये थी जनाब कुछ इनकी अपडेट।
और उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, कल एक और मैच भी हुआ है T20 का, ज़बरदस्त मैच हुआ है, रिकॉर्ड जो है वो बने भी हैं और उसके बाद टूटे भी हैं, तो उसकी मैं बात करता हूँ अभी। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच है जनाब, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ है ये, तो इसकी भी अपडेट दे आपको। जी तो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो दूसरा T20 इंटरनेशनल था उसमें वेस्ट इंडीज़ ने वो पहले बैटिंग की और मुकर्रा 20 ओवरों में 258 रन बना लिए जनाब, ज़बरदस्त बैटिंग की इन्होंने, 258 रन बनाए और जो है वो ज़बरदस्त बैटिंग की। जवाब में जनाब साउथ अफ्रीका की टीम ने ये टोटल चेस कर लिया, रिकॉर्ड टोटल था ये बनाया था उन्होंने, रिकॉर्ड पहले बनाया उसके बाद जनाब इन्होंने चेस कर लिया है, तो रिकॉर्ड चेस था ये। और जो है वो क्विंटन डिकॉक ने जनाब 100 स्कोर किया 44 खेलों पे, और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका ने ये 18.5 ओवरों में स्कोर चेस कर लिया, ज़बरदस्त, सिर्फ 5.3 ओवरों में इन्होंने 100 रन बना लिए थे, तो डिकॉक की ज़बरदस्त बैटिंग की वजह से जो है वो साउथ अफ्रीका ने ये दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच जीत के सीरीज़ को 1-1 से बदल दिया। पहला मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था और दूसरा मैच जो है वो इन्होंने साउथ अफ्रीका ने जीत के सीरीज़ कर दी है बराबर। तो जनाब ये थी कुछ इस मैच की अपडेट, उसके अलावा जो है तीसरा T20 पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वो आज खेला जाएगा, टाइम वही है रात को 9 बजे, तो देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तीसरा मैच जीतता है या वो जो है वो क्लीन स्वीप कर लेते हैं साउथ अफ्रीका अपना अफगानिस्तान वाले। तो जनाब ये थी कुछ मैच की अपडेट, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारा चैनल है FT स्पोर्ट्स लाइव, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।